गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नया टॉपिक है गिर लॉइन प्रोजेक्ट, यानी गिर सिंह प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको बता देती हूँ। किसी समय सिंह या पैंथेरा लियो, है ना, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, पैंथेरा लियो, संपूर्ण मध्य एवं उत्तर भारत में पाए जाते, किंतु अब ये केवल कठियावाड़ यानी गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। जो पैंथर लियो है ये पहले जो है पूरे मध्य और उत्तर भारत में मिलते थे, लेकिन अब क्या है ये जो है इनकी संख्या कम हो गई है और ये सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं, गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम गिर प्रोजेक्ट रखा हुआ है। सिंह को बचाने हेतु ये प्रोजेक्ट 1972 में प्रारंभ किया गया था। 1947 में इनकी संख्या 180 थी, मतलब 180 थी, और 1972 में इस क्षेत्र का 258.7 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र यानी कोर एरिया राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। उस समय जो है इसको कब 1972 में इसे राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क बना दिया गया था। 1979 तक इनकी संख्या बढ़कर 205 हो गई थी। पहले जो है इनकी संख्या कितनी थी, 180 थी, अब यहाँ पर 1979 तक कितनी हो गई, 205। सिंह की जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण इसका शिकार करना था। गिर क्षेत्र में सिंह के प्राकृतिक भोजन का अभाव था। गिर वन में अनेकों चरने वाले शाकाहारी चौपाए मानसून के दौरान छोड़े जाते थे। इन जंतुओं के लिए चारे की कमी रहती थी तथा ये पानी को प्रदूषित करते और बीमारियां फैलाते थे। इससे शाकाहारी जीवों की जनसंख्या प्रभावित होती है और इसके परिणाम स्वरूप सिंह की संख्या भी प्रभावित होती है। प्राकृतिक भोजन के अभाव में सिंह पालतू पशुओं का शिकार करता है। इससे पालतू जानवरों के मालिकों एवं पार्क के प्रबंधकों में टकराव होने लगता है। इन्हीं कारणों से सिंहों की जनसंख्या अस्थिर हो गई है तथा यह प्रोजेक्ट टाइगर की तरह सफल नहीं हो सका। जो गिर प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट टाइगर की तरह जो है सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद है संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण हेतु बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट का वर्णन करना। भारत में इस समय विभिन्न प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका उद्देश्य वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करना है। मुख्य प्रोजेक्ट निम्न है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में ये प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 से कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया था। ये हमें मालूम है कि पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था, कॉर्बेट, जो कहाँ पर है, उत्तरांचल में, है ना। पहला जो नेशनल पार्क बना था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तरांचल में स्थित है। और कब बना था, 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुए थे, है ना, और इसमें फिर 1973 में ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रारंभ हो गया था। फिर है गिर लॉयन सेंचुरी प्रोजेक्ट। शेर गुजरात में गिर जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए गुजरात सरकार ने 1972 में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। कौन सा, गिर लॉयन सेंचुरी प्रोजेक्ट। कब प्रारंभ हुआ था, ये भी 1972 में। पहले मैंने आपको जो बताया है उसमें एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें किस समय कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो सारा दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के केदारनाथ सेंचुरी में मस्क डियर मोस्कस मोस्टिफेरस के संरक्षण हेतु सुरक्षा हेतु यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। कौन सा, हिमालयन का मस्क डियर। मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर प्रोजेक्ट, ये क्या है, 1977 में सर्वस एलडीएलडी नामक ब्रो एंटलर्ड डियर के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु मणिपुर में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। यह विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हंगुल। कश्मीर स्टेग अथवा हंगुल या सर्वस
एलाफस हंगलू एक एंडेंजर्ड स्तनधारी है ना, एंडेंजर्ड है ये। ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों में पाया जाता है। 1970 में इसकी संख्या 200 रह गई। इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने IUCN तथा वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF है ना के सहयोग से प्रोजेक्ट हंगुल प्रारंभ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संख्या 1980 में बढ़कर कितनी हो गई, 340 से ऊपर हो गई। इसके बाद है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, यानी घड़ियाल या गेवियलिस गंगेटिकस, मगर या क्रोकोडाइल पॉल्यूसिक्स। तथा खारे जल का क्रोकोडाइलिया क्रोकोडाइलस पोरोसस नाम की तीन क्रोकोडिलियंस स्पीसीज हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। 1970 के दशक में प्रारंभ ये जातियां बहुत कम हो गई हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP के सहयोग से भारत सरकार ने एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एवं मैनेजमेंट प्रोजेक्ट उड़ीसा में सन 1975 में प्रारंभ किया। बाद में इस योजना को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम तथा नागालैंड में फैलाया गया, जिससे इन तीनों जंतुओं की जनसंख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। इसके बाद है प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य हाथियों को के रहने योग्य वनों को नष्ट होने से बचाना तथा आंशिक रूप से नष्ट हुए वनों को पुनः स्थापित कर मूल रूप से में लाना है। वनों के नष्ट होने से हाथियों की उपयुक्त आवास व्यवस्था ना होने के कारण भी हाथियों की जनसंख्या में बहुत कमी आई है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स के नाम, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदुस्तान में तीन प्रकार के क्रोकोडाइल या घड़ियाल पाए जाते हैं, जो निम्न हैं। घड़ियाल गेवियलिस गंगेटिकस, दूसरा है साल्ट वाटर या एस्टुराइन क्रोकोडाइल, इसको क्रोकोडाइलस पोरोसस भी कहते हैं। फिर है फ्रेश वाटर या मार्स क्रोकोडाइल या मगर क्रोकोडाइल पॉल्यूसिस। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ये क्रोकोडाइल हिंदुस्तान की प्रमुख नदियों, नहरों आदि में बहुतायत से पाए जाते थे। उस समय ये तालाबों में भी पाए जाते थे, किंतु आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं तथा उन्हें रेयर या इनडेंजर्ड या थ्रेटेंड जंतुओं की सूची में रखा जाता है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की आवश्यकता क्यों है। इनकी जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसका मनुष्य के द्वारा अंधाधुंध शिकार तथा दूसरा, उसके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप करना। इसका शिकार त्वचा एवं मांस प्राप्त करने और मनोरंजन हेतु अत्यधिक किया गया। नदियों में बनाए गए बांध तथा नदी के पानी के बहने की दिशा में परिवर्तन से भी इस जीव की जनसंख्या में बहुत गिरावट आई। पूरे देश में 1970 के लगभग गेवियलिस गंगेटिकस की संख्या लगभग 200 तथा क्रोकोडाइलस पोरोसस की जो संख्या है वो 70 रह गई। क्रोकोडाइलस पॉलिस्टस की संख्या भी 1970 के लगभग देश की सभी नदियों में अप्रत्याशित रूप से गिर गई, जो कि यहाँ सारणी में दी गई है। ये मैंने आपको सारणी दी है। इसमें है ना, तो ये आप जो है देख लेना इसको, जैसे किस स्टेट में कितने क्या वासस्थान था इनका, कहाँ पर थे है ना, और कितने इनकी संख्या थी, और फिर जो है बाद में कितनी रह गई है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में चिदंबरम वाटर वर्क्स, किलीकुडु क्रोकोडाइल फार्म, मेटूर रिजर्वायर, साथानूर रिजर्वायर, भवानी सागर रिजर्वायर, केदार हल्ला या मोयार स्ट्रीम, अमरावती रिजर्वायर, होगेने कल फॉल्स कावेरी नदी पर है ना। तो यहाँ पर क्या था, चिदंबरम वाटर वर्क्स में इनकी संख्या थी 15 से 20, किलीकुडु में 20, क्रोकोडाइल फार्म मेटूर रिजर्वायर में 10 से भी कम, फिर भवानी सागर रिजर्वायर 10 से कम, केदार हल्ला या मोयार स्ट्रीम 10 से कम। इस तरह से जो है इनकी
संख्या दी गई है कि कहाँ पर ये कितने हैं। मध्य प्रदेश में महानदी, बेतवा, सोन, केन आदि नदियों में 100 से कम, ये पूरा चार्ट जो है इसमें दिया गया है। जैसे इसमें कर्नाटक में देखें, रंगना थिट्टू बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 10 से कम हो गई है। केरल के नैयार रिजर्वायर में 10 से कम, पारम्बी कुलम रिजर्वायर में 5 से कम, आंध्र प्रदेश गोदावरी 10 से कम, कृष्णा 10 से कम, महाराष्ट्र बोरीवली राष्ट्रीय पार्क 10 से कम, ताडोबा राष्ट्रीय पार्क 20 से कम और अन्य पार्क एवं नदियाँ लगभग 50। इसके अलावा उड़ीसा महानदी बाहमनी स्मॉल रिजर्वायर, यहाँ पर 20 से भी कम। मध्य प्रदेश अभी मैंने जैसे आपको बताया 100 से कम। गुजरात में हिरन लेक है ना, गिर नेशनल पार्क में 60 और अन्य तालाबों में इससे भी कम है ना। राजस्थान चंबल नदी 20 से कम रिजर्वायर एवं नदियाँ। फिर उत्तर प्रदेश रामगंगा कार्बेट नेशनल पार्क 8, बिहार नदियाँ एवं जंगली तालाब 50 से कम, पश्चिमी बंगाल गंगा एवं अन्य नदियाँ 30 से कम, असम सभी नदियाँ लगभग विलुप्त, इस तरह से इसमें दिया गया है। तो एक यही पूछा जाएगा कि मतलब लगभग कितनी संख्या थी या फिर कितने रह गए है ना, कौन से जो है इंडेंजर्ड में आते हैं, कितने कौन सा पार्क कहाँ पर है, किस एरिया में है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे आज ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रणथंभौर है ना, रणथंभौर कहाँ पर राजस्थान के किस ज़िले में है, तो इस तरह से डीप क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेते हैं। अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद में हम जो है इस ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी, फिर हम नया टॉपिक लेंगे। इसमें यूनिट नहीं सॉरी टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद हमारी आएंगी इनडेंजर्ड स्पीसीज। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।